दोस्तों, समझदारी की बातें करने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला, वे जिनकी उम्र अधिक है, और दूसरा, वे जिन्होंने कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं, जो कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए, यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत ही विशेष है। 2024 के पहले महीने जनवरी से लेकर आगे कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, यह सब जानेंगे। जनवरी 2024 में आपके जीवन में नवग्रहों की क्या स्थिति है? क्या वे आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और व्यापार में सफलता दे पाएंगे? अंत में मैं आपको वीडियो में दिए गए अचूक उपायों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि अर्थात मूल साइन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर केवल चैनल और वीडियो के विवरण में दिया गया है। यदि कोई भी आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है तो सावधान रहें कि कहीं वह स्कैम तो नहीं है। चलिए जानते हैं जनवरी 2024 में कुंभ राशि का हाल कैसा रहेगा। जब जनवरी माह शुरू होगा तब कुंभ राशि के लिए नवग्रहों की स्थिति इस प्रकार होगी, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। आपके पहले भाव में विराजमान हैं शनिदेव, ठीक है। आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं राहु देव और तीसरे भाव में विराजमान हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, जहां सूर्य के साथ मंगल भी स्थित हैं, इसलिए आपका 10वां भाव शक्तिशाली है। शुक्र और बुध आपके 8वें भाव में स्थित हैं, जो आपके लिए अच्छे मित्रों का संकेत देते हैं। केतु आपके 12वें भाव में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शनि देव, जो आपके लग्नेश हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। शनि अपने घर में स्थित हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य ठीक है और कोई समस्या नहीं है। राहु ग्रह के कारण कभी कभी हल्की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है। राहु दांतों में थोड़ा दर्द या आंखों में जलन पैदा कर सकता है। क्योंकि राहु लगभग 1.5 साल तक यहां रहेगा, इस अवधि में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन गंभीर नहीं होंगी। जरूरी नहीं कि समस्याएं केवल जनवरी में ही आए, वे इस 1.5 साल के दौरान किसी भी समय आ सकती हैं। दोस्तों, यहां मेरा स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है क्योंकि शुक्र, बुध और शनि तीनों ही अच्छी स्थिति में हैं। आइए आपकी पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई का पंचम भाव आपके लिए 5th हाउस है। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ाई के पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं और इस समय बुध 10th हाउस में स्थित हैं। हालांकि अभी बुध केंद्र में हैं, पर 8 जनवरी को वे 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जब वे पंचम भाव को 7th दृष्टि से देखेंगे तो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल समय आएगा। भले ही पूरा महीना अच्छा है, पर जनवरी के बाद जैसे ही बुध पंचम भाव को देखेंगे, आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छी प्रगति होगी। आपकी पढ़ाई, प्रवेश परीक्षा, परीक्षाएं और प्रतियोगिताओं के लिए यह समय अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि आपको इस पर गर्व है। जनवरी महीने में आप अपने घर और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इन्हें बेहतर बना सकते हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो यह उसके लिए एक अच्छा समय है। आप एक अच्छा फैसला ले सकते हैं क्योंकि गुरु और मंगल दोनों की स्थिति अच्छी है। इस महीने आपकी पढ़ाई से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। क्या आपके कोई प्रश्न हैं? अगर आपका कोई सवाल पढ़ाई से जुड़ा है तो यह महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। मुझे अधिक जानकारी दीजिए। प्रेम संबंधों का पंचम भाव होता है, संतान का भी होता है, पढ़ाई का भी होता है। पंचम भाव का स्वामी बुध है। अपने घर की स्थिति देखें, शनि पहले हैं। आप अपनी प्रकृति बिल्कुल नहीं बदलेंगे, आपका स्वभाव वैसा ही बना रहेगा। आप में जो आकर्षण है वह आपके सामने वाले को बहुत आकर्षित करेगा। आपकी बातचीत आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है, जो इस महीने सामने वाले को बहुत प्रभावित करेगी। क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में जाएंगे और सामने वाला आपसे कुछ उम्मीदें रखेगा, आपका पार्टनर जिससे आप प्रेम संबंध में हैं, इस महीने निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध को लेकर भावनाओं, जुड़ाव और समझ के मामले में काफी सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। क्योंकि शुक्र और बुध दोनों 11वें घर में थे, इसलिए इस महीने में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
आपके प्रेम संबंध भी सुखद लग रहे हैं। इस महीने कुंभ राशि के लिए अच्छा साबित होगा। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो 14 जनवरी तक सूर्य 12वें घर में रहेंगे। 14 जनवरी के बाद सूर्य 12वें घर में प्रवेश करेंगे। इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। शुरुआत में हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी थी। 14 जनवरी के बाद से मेरी शादीशुदा जिंदगी में कुछ परेशानियां आने लगी हैं। हमारे बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े होने लगे हैं। कभी कभी बेवजह की जिदें भी दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच पहले जैसी समझदारी और तालमेल कम हो गया है। शायद मेरे जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मिलकर इन सभी समस्याओं का हल निकालेंगे और हमारी शादीशुदा जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। जनवरी के 14 तारीख से पहले घूमने फिरने और मजे करने का अच्छा मौका है, इसलिए अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या कुछ खास करना चाहते हैं तो पहले ही निकाल लें। 14 जनवरी के बाद से शायद मौका ना मिल पाए। आइए जीवन की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य है। जनवरी 2024 में भाग्य शुक्र और करियरेश मंगल रहेंगे। शुक्र 10 में अच्छी स्थिति में है, फिर 11वें घर में जाएंगे। 18 जनवरी को भाग्य अनुकूल दिख रहा है, अर्थात भाग्य में सुख के योग हैं। 10 तारीख को शुक्रवार के दिन फोर्थ हाउस में बैठकर जब मैंने अपने भाग्य को देखा तो मुझे लगा कि मेरा भाग्य अच्छा चल रहा है। मुझे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैं अपने भाग्य का आनंद ले रहा था। मुझे लगता है कि इस महीने में मेरा भाग्य मुझे इतना सहयोग देगा कि मैं कोई भी बड़ा काम आसानी से कर सकूंगा। मैं कोई भी शुभ कार्य कर सकता हूं, जैसे कि कोई सामान खरीदना, बड़ा निर्णय लेना या कोई बड़ा निवेश करना, क्योंकि शुक्र, बुध और गुरु तीनों मेरे लिए अच्छे स्थिति में हैं। कोई परेशानी नहीं है, यहां भाग्य आपका साथ देगा। करियर की बात करूं, मंगल ग्रह 11 में था, उसमें कोई राशि परिवर्तन नहीं है। मंगल का पूरे महीने 11 था, उसमें दोस्तों, जब 10th नोड का 11 से कनेक्शन बनता है, न तो अपने काम में लाभ दिखता है, क्योंकि 11 लाभ का होता है, यानी कि अपने काम से लाभ उठाना, अपने काम से प्रशंसा लेना, अपने काम से कहीं ना कहीं आगे ले जाना, रास्ते खोलना, दरवाजे खोलना, ऐसा दिख रहा है। तो यह अपने काम में प्रॉफिट दिखा रहा है। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह एक अच्छा समय है, क्योंकि मंगल पंचम भाव में स्थित है। आपकी बुद्धि और कार्य कुशलता इस समय बहुत मजबूत होगी। आपके काम में कोई गलती नहीं होगी। राजनीतिक मामले भी अपने आप ही सुलझ जाएंगे और जितनी राजनीतिक चुनौतियां आएंगी आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। इस महीने में आपका कैरियर बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए करियर को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए यह महीना बेहतरीन है। नौकरी की तलाश में नौकरी मिल सकती है अगर आप प्रयास करें और व्यवसायियों से बात करें। दोस्तों, आपका व्यवसाय मिड जनवरी से पहले अच्छा रहेगा। मिड जनवरी के बाद थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन मिड जनवरी से पहले आपका व्यवसाय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति अनुकूल है। लाभ मिलेगा, ग्राहक जुड़ेंगे और आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी। प्रिय मित्रों, इस महीने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना उचित होगा। सूर्य की शक्ति कमजोर पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा भी अर्घ्य देना लाभदायक साबित होगा। सुबह के समय ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। सूर्यास्त के बाद ओम प्राम प्रीम प्रों का 108 बार जाप करें। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।